वो कौन था हुकूमत के बाप थे जिसने वो अहदार हटाए, क्योंकि हुकूमत क्या थी उनको पता, क्योंकि वही गैर मुल्की नहीं पता है अपनी एजेंसी है, वो मानना चाहती है इमरान आबाद को, क्यों मानना चाहती है ये नहीं बताया, और कहते हैं कि मारा जाएगा कहा खुदा न करे कहने वालों के मुँह में आँख, लेकिन चौराना पड़ रहा है मजबूरत, वो कहते हैं मारा जाएगा तारीख पेशी के ऊपर, आँख जो उसके अंदर का चौथा सबूत है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स वहाँ पे बंद थे सुबह से जब अदालतें आके बैठी है, ये भी आप जाके पता कर ले, जब कोई आएगा तो जैमर लगेंगे, ये तो समझ में आने वाली बात है, अदरवाइज वहाँ उस कोर्ट और फ्रेंसिस में जैमर्स नहीं होते, बाइक से जो गाड़ी आती है उसका उसके साथ जैमर्स की गाड़ियाँ दो ऊपर इंस्ट्रूमेंट लगा होता है। और जो इसमें आखिरी बात सर्कमस्टांसेस एविडेंस जो मैं आपको फिट तहराबंद मैं रखना चाहता हूँ आपके सामने, वो ये थी कि आप जाते ये पता कर लें कि दो बाइक से दो तदारे, लेकिन उससे पहले जो अंदर से कुंडा किसने बोलता, ये चीज़ें सामने आएंगी। 13 तारीख को याद रखिएगा, 16 तारीख को भी याद रखिएगा, 14 तारीख को भी याद रखिएगा, वहाँ जो दरख्वास्त जमानते हैं वो उनकी सवात होनी है, उसमें वीडियो जज साहिबान अपने नुकता नज़र से जज साहब को सुनेंगे, मुझे बिना देखेंगे और हम अपने नुकता नज़र से वीडियोज़ पेश करेंगे वहाँ पर। अब मैं वापस चलता हूँ जुडिशल कॉम्प्लेक्स से, आपको लेके चलता हूँ मैं, फिर अगला सबूत जो है सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उसके ऊपर, वो क्या है, वो ये है कि अहमद तियादी इंचार्ज है इमरान खान की सिक्योरिटी, और उनके साथ कुछ दूसरे ऑफिशल्स और हमारे वॉलंटियर लड़के हैं, जान पे वो खेल के, आपने देखा किस तरह से वो यहाँ बारिश में गिरते हैं और उठ गिरते हैं, दौड़ के गाड़ी की तरफ अस्पताल की तरफ नहीं दौड़ते, वो हमारे जानसार हैं, उन सब पे पर्चे क्यों किए जा रहे हैं, ताकि इमरान खान को पर्सनल सिक्योरिटी सिटी मैनेजर कर दिया जाए, सिक्योरिटी के दमाद से दे बहुत है कि वो अकेले हो जाए और उनकी गाड़ी नंगी हो जाए तो सिक्योरिटी वाफ के साथ ना हो, ये जवाब दे हुकूमत कि वो कौन है जिसके कहने दें उनको ये इतला मिलने के बावजूद भी वो इमरान खान की ज़ाती सिक्योरिटी के ऊपर पर्चे डाले, ताकि उनको उस सिक्योरिटी सिटी महरूम कर दिया जाए। इससे भी अगला गति में तो लिखा हुआ है इंशा पर्चा करेगा उसको अदालत कैद करेंगी 3 साल। तो आखिर में मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि ये इंताई मैं अदलिया से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि सर ये इंतहाई सेंसिटिव मामला है, अगर कुछ हो गया या तो मेरा बड़ा समझ मुझे लिख के दे दे शहबाज शरीफ कि वो जिम्मेदार होंगे, हुकूमत जिम्मेदार होगी, अगर कुछ हो गया तो उसके बाद पछताने के अलावा क्या किया जा सकता, और पाकिस्तान वो जिसको पहले जिन्होंने खाई में तब्दील दिया है मुआशी तौर पे, उसमें इतना बड़ा क्यास होगा उसके बाद तस्वर भी नहीं किया जा सकते। अल्लाह ताला इमरान को उसकी दुआ करने वाले सारी दुनिया में मौजूद है, सब तो अल्लाह ताला से चलाती दे। तो मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इमरान खान को ज़रूर रूल ऑफ लॉ के मुताबिक इसके साथ मुसावी शुरू किया जाए, लेकिन उसको वीडियो लिंक के जरिए से तेज होने की इजाज़त भी दी जाए, ये वाहिद आदमी है।